गुड मॉर्निंग बच्चों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पिछड़े बालकों की विशेषताएं, कारण, समस्याएं, शिक्षा सुझाव, गिलफोर्ड व टॉन्सले के सुझावों के बारे में बताऊंगी। आप सब जानते हैं बच्चों कि पिछड़े बालक कौन से होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं। कौन सी गति से सीखते हैं? जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन बच्चों को हम कौन से? पिछड़े बालक के नाम से जानते हैं। अपवंचित बालक वो बालक होते हैं जो एसटी श्रमिक घुमंतु जातियों से आते हैं। तो अपवंचित और पिछड़े बालक में क्या फर्क है? अपवंचित बालक वो है जो पढ़ने और सीखने में अवसरों की उपलब्धता नहीं होती, जबकि यहाँ पर अवसर है, लेकिन बच्चा धीमी गति से सीखता है। बच्चा धीमी गति से क्यों सीख रहा है? वो सामान्य व औसत बालकों से पिछड़ा हुआ है। ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? पिछड़े बालक कहते हैं। और मैंने आपको दो परिभाषाएं भी पिछले वीडियो में बताई थी, सैमुअल क्रिक की और दूसरी कॉटन रोल की। तो सैमुअल क्रिक कहते हैं कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वो बच्चे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। जो औसत बालकों से नीचे वाले बालक है, जिनको बार बार अभ्यास करवाने की आवश्यकता है, अलग से शिक्षण विधियों की आवश्यकता है, अलग से कक्षाओं की आवश्यकता है, उन बालकों को हम पिछड़े बालक कहते हैं। अब बात आती है बच्चों कि पिछड़े बालक कौन कौन से होते हैं? परिपक्वता धीमी से, आपने नाम सुना होगा बच्चों, परिपक्वता। परिपक्वता आती है उम्र के साथ। किसके साथ आती है? उम्र के साथ। जैसे आपको पता है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो बच्चे में अपना, पराया, मतलब बच्चा केवल अपने, अहम, अपने बारे में बच्चा सोचता है। लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो उसमें परिपक्वता आ जाती है और बच्चा न केवल अपने बारे में जबकि अपने परिवार के बारे में भी सोचने लग जाता है। और जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो वो परिवार से ज्यादा अपने मित्रों के बारे में सोचने लग जाता है। तो उन बच्चों में जो कि धीमी गति से सीखने वाले हैं, शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, उनमें परिपक्वता देरी से आती है। उनमें जो मानसिक शारीरिक विकास होना है वो धीरे धीरे होता है। विकास की प्रक्रिया जिनकी धीरे चलती है, आप यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, विकास क्रम का धीरे होना। तो परिपक्वता जिन बच्चों में देरी से आती है बच्चों, वो बच्चे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है साफ कपड़े नहीं पहनते। आपको पता है क्लास में बार बार बोले जाने के बाद में नेल्स नहीं काटना, गंदे कपड़े पहनना, बाल नहीं बना के आना, ऐसे जो बच्चे हैं बच्चों वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देना, एकाग्रता, जिनकी क्लास में एकाग्रता नहीं होती, मान लो प्रतिभाशाली बालक है। पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है, पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली भी हो सकता है। क्यों? क्लास में उसका ध्यान नहीं है तो वो सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पिछड़ जाएगा। तो ध्यान नहीं देने से भी औसत बालक भी पिछड़े बालक की श्रेणी में आ सकता है। तो क्लास में ध्यान का अवधान को अवधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मनोविज्ञान की लैंग्वेज में इसको अवधान। अवधान का मतलब है जितनी भी आपकी क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है उन एक्टिविटियों पर ध्यान नहीं देकर अपने लक्ष्य, एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्रचित करना ही अवधान कहलाता है। जो आगे के वीडियोस में देखेंगे क्या होता है अवधान। तो जब तक बच्चे का ध्यान नहीं होगा वो बच्चा औसत बालक की श्रेणी में नहीं आ सकता, सामान्य बालक नहीं बन सकता।
सामान्य बालक बनने के लिए उसको क्लास में ध्यान देना होगा। तो प्रतिभाशाली बालक के भी कई बार नंबर कम आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में पिछड़ जाता है, पर्टिकुलर विषय वस्तु में पिछड़ जाता है, क्योंकि क्लास में उसका ध्यान नहीं है। जब टीचर ये देखता है कि कई बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, जो पढ़ाया जा रहा है उस, जब टीचर कोई प्रश्न पूछता है उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस बच्चे का ध्यान नहीं है। विद्यालय में अनुपस्थित, अब आपको पता है कि ध्यान नहीं देंगे, मंद बुद्धि बालक होंगे, अगर परीक्षा में नंबर कम आ जाते हैं तो वो बच्चा फेल भी हो सकता है, उसके नंबर कम भी आ सकते हैं। जब बच्चे को डर लगता है कि कहीं मेरे सहपाठी मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, तो उस मजाक के चक्कर में भी हो सकता है। शिक्षक की गृह कार्य नहीं करते, तो गृह कार्य नहीं करेंगे तो टीचर की डांट के कारण में भी विद्यालय में अनुपस्थित रह सकते हैं। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनके नंबर कमाने की वजह से विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, टीचर की डांट से विद्यालय में अनुपस्थित रह सकते हैं। तो अगर बच्चा बार बार में विद्यालय में अनुपस्थित हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा पिछड़े बालक की श्रेणी में आता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है चिंतायुक्त। बच्चा स्कूल से जब स्कूल में आता है ध्यान नहीं देता है, परीक्षा में कम अंक आते हैं, तो हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। और जब बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर चिंताग्रस्त रहता है तो उसका ध्यान और एकाग्र शक्ति जो है वो बच्चों कमजोर हो जाती है, कई प्रकार के विचार उसके माइंड में उसकी मानसिक बुद्धि में चलते रहते हैं। तो मन को एकाग्र करने के लिए चिंता मुक्त होना जरूरी है। लेकिन अगर बच्चा चिंता युक्त है, ध्यान नहीं दे रहा, गृह कार्य नहीं कर रहा, प्रश्न पूछने पर उसका आंसर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है बच्चा क्लास में चिंता युक्त है। संप्रेषण एक सुरक्षा का भाव, ऑब्वियसली असुरक्षा रहेगी। जब बच्चा क्लास में आएगा तो उसे दूसरे सहपाठियों से असुरक्षा रहेगी, क्यों? क्योंकि उसका क्लास में ध्यान ही नहीं था। जब टीचर प्रश्न पूछेगा तब उसमें असुरक्षा का भाव आएगा, वह विद्यालय में अनुपस्थित रहेगा तो माता पिता की डांट के कारण असुरक्षा का अनुभव करेगा। जब बच्चा असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, उसके अंदर डर है, गृह कार्य नहीं करके आता, तो माता पिता को बहाना बनाता है, टीचर को बहाना बनाता है, तो इसका कारण है कि वो बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब है उस बच्चे में असुरक्षा का भाव विद्यमान है। तो जो बच्चा अपने आप में असुरक्षित महसूस करता है, इसका मतलब है बच्चा, वो कौन सा बच्चा है? पिछड़ा बालक है। ध्यान नहीं देते, विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, चिंताओं से घिरे हुए रहते हैं, असुरक्षा का जिन बच्चों में भाव है बच्चों, वो बच्चे कहलाते हैं पिछड़े बालक। फिर आता है संप्रेषण क्षमता का भाव। जब आपको बच्चा है, पता है बच्चा टीचर के साथ संवाद स्थापित नहीं करता, अंतःक्रिया नहीं करता, प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर नहीं देता, तो बच्चे में आदान प्रदान संप्रेषण कौशल का मौखिक संचार नहीं कर पाता, इसका मतलब है बच्चा संप्रेषण क्षमता का अभाव है। जब बच्चा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, क्लास में ध्यान नहीं दे पाता, विद्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो उस बच्चे में संप्रेषण कौशल का अभाव पाया जाता है, वो बच्चा अपनी मन की बातों को अपने टीचर को नहीं बता पाता है। तो जिस बच्चे में संप्रेषण क्षमता का अभाव है वो बालक भी पिछड़ा बालक कहलाएगा। समस्याग्रस्त, अब आपको पता है बच्चा होमवर्क नहीं करके ला रहा तो समस्या है, बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देगा तो शिक्षक के प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएगा, माता पिता अगर विद्यालय से अनुपस्थित रहता है तो माता पिता को जवाब देना पड़ेगा, माता पिता उससे पूछेंगे कि विद्यालय में अनुपस्थित क्यों हो रहा है, तो माता पिता से समस्याग्रस्त, इधर स्कूल से सहपाठियों से समस्याग्रस्त, क्योंकि क्लास में बच्चे उसकी मजाक उड़ाएंगे, तो इसका मतलब है वो बच्चा हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ रहता है, हमेशा दुखी रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। विकास क्रम जिसकी विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है, परिपक्वता देरी से होती है, वो बच्चे भी किस श्रेणी में आते हैं? पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये पिछड़े बालकों की विशेषताएं बच्चों की परिपक्वता देरी से आती है, साफ कपड़े नहीं पहनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, चिंता युक्त रहते हैं, असुरक्षा का भाव जिनके बच्चों में है,
संप्रेषण क्षमता का अभाव पाया जाता है, समस्याग्रस्त रहते हैं और विकास क्रम का धीरे धीरे चलना, मतलब विकास प्रक्रिया, विकास क्रम जो है उनका देरी से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है वो बच्चा धीमी गति से सीख पा रहा है, वो बच्चा पिछड़ा वाला है। अब आता है कि कारण क्या है कि बच्चा पिछड़ा हुआ है। पहला कारण हो सकता है बच्चों आर्थिक स्थिति। आप जानते हो हमारे समाज में आज भी आय की असमानता है। क्या है? आय की असमानता है, गरीबी। अगर किसी बच्चे के माता पिता गरीब हैं तो वो बच्चा क्या नहीं कर पाता, उन बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाता, हमेशा चिंताओं से घिरा हुआ रहता है। तो आर्थिक परिस्थितियां, अगर रोजी रोटी कुपोषण का शिकार है बच्चा, बच्चे को खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चा धीमी गति से सीखता है। ये तो आप जानते हो कि हमारे मानसिक विकास में हमारी जो संतुलित भोजन है वो भी बहुत जिम्मेदारी भूमिका निभाता है। अगर हमें संतुलित भोजन नहीं मिलता, बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे, तो वो बच्चा अच्छा सीख नहीं पाएगा, उसकी योग्यता और उसकी क्षमता पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो आर्थिक परिस्थिति अगर बच्चे की खराब है तो भी बच्चा पिछड़ जाता है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप जानते भी हो जिस बच्चे के माता पिता का IQ लेवल अच्छा होता है, उस माता पिता के बच्चों का IQ लेवल भी बहुत अच्छा होता है। अगर उस परिवार के सदस्य पढ़े लिखे हैं, उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, तो वो अगर क्लास में उस बच्चे का ध्यान नहीं भी है तो वो बच्चा पिछड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उस चैप्टर को उस बच्चे को क्लियर करवा देंगे। तो माता पिता के सदस्य, माता पिता अगर पढ़े लिखे हैं, अगर माता पिता का IQ लेवल अच्छा है, तो उस बच्चे के IQ लेवल पर भी असर पड़ता है। तो अगर उनका मानसिक स्तर अच्छा नहीं है तो वो बच्चा पिछड़े बालक की श्रेणी में आ जाता है। फिर है व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक का मतलब है प्लायन प्रवृत्ति, विद्यालय से अनुपस्थित रहना, बच्चे का अंतर्मुखी होना, ध्यान नहीं देना। तो ये व्यक्तिगत कारण है। किसके? संवेगात्मक घटक। अगर बच्चा अस्थिर बुद्धि वाला है, भय असुरक्षा के भाव से ग्रसित है, उसके संवेग अस्थिर अवस्था में है, तो भी बच्चा धीमी गति से सीखता है। अगर बच्चा बाल अपराधी हो जाता है, गलत कार्यों में लग जाता है, गलत लोगों की संगति में पड़ जाता है, गलत मित्रता में लग जाता है, तो भी बच्चा संवेगात्मक घटक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। तो पिछड़ेपन के कारण है बेटा वो 4, आर्थिक परिस्थिति, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत घटक और संवेगात्मक घटक। ये सब किसके? पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। अब बात आती है समस्याएं क्या क्या आती है बच्चों। देखो सबसे पहले आती है ज्ञानात्मक अधिगम समस्या। देखो बच्चा, जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उसको फर्स्ट लेवल तक का उसमें ZMD होना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपने वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा। वाइगोत्स्की बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। वाइगोत्स्की ने साफ कहा है कि बच्चे का जो विकास है वो खुद जितना लेवल वो कर सकता है उतना करता है, लेकिन जब उसको मान लो किसी टीचर के द्वारा एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, माता पिता द्वारा अलग से पढ़ाया जाता है, वो अलग से बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करता है, तो उसका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। छठी क्लास का बालक अगर 7th क्लास के बच्चे का हल करने लग जाता है, तो उसमें ये विद्वता जो आई, उसमें जो ये अंतरण हुआ, ये उसकी ZMD है, मतलब अधिगम अंतरण है। लेकिन जो बच्चे ज्ञानात्मक अधिगम नहीं कर पाते, मतलब 6th क्लास में होने के बाद भी 5th क्लास तक के क्वेश्चन का सॉल्व नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि जो उन्होंने 5th क्लास में या तो उनको पढ़ाया नहीं गया या उन्होंने 5th क्लास में ध्यान नहीं दिया, तो जब वो 6th क्लास में आएंगे तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। मतलब उन्होंने उस ज्ञान को नहीं सीखा, उसका अधिगम नहीं किया, तो वो बच्चा बाकी बच्चों से क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। मान लो 6th क्लास का बच्चा है, प्लस माइनस
या मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से कर पा रहा है बिना उंगलियों की सहायता के कर रहा है। एक बच्चा है उंगलियों से कर रहा है, एक बच्चा है उंगलियों से कर रहा है, क्यों? तो क्योंकि वो बालक अन्य बालकों से पिछड़ा हुआ है, उसने ज्ञानात्मक अधिगम नहीं किया है। वो बच्चा बाकी बच्चों से पिछड़ जाता है बच्चों, तो ज्ञानात्मक अधिगम समस्या आती है भाषा संबंधी। बच्चों आप जानते हैं कई बच्चे उच्चारण नहीं कर पाते, कई शब्दों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, सह शह शह इसको एक ही शब्द का उच्चारण करते, क्यों? क्योंकि पिछले टीचर्स ने उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करवाया, उसमें अंतर करना उसको नहीं सिखाया, या उसने उसमें अंतर करना नहीं सीखा। तो भाषा संबंधी ये भी हो सकता है, कई बच्चे इंग्लिश में कमजोर होते हैं, कई बच्चे हिंदी में पिछड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाषा संबंधी सीखने की जो कैपेसिटी है वो उनकी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश को इतना इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी इंग्लिश मीडियम के बच्चे को आएगी, क्यों? क्योंकि उसमें भाषा संबंधी अक्षमता विद्यमान है। तो भाषा संबंधी अक्षमता के कारण भी बच्चा पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण, अब आपको जैसे मैं पढ़ा रही हूँ व्याख्यान विधि के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, अगर हम कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसका अगर प्रत्यक्ष दर्शन करवाया जाए तो बच्चा पिछड़ेपन का शिकार नहीं होगा। उसको अलग अलग टेक्निक से, अलग अलग तरीकों से, अगर बच्चा दिल्ली को नहीं समझ पा रहा है कि दिल्ली कहाँ है, तो हम उसको मानचित्र में दिल्ली को दिखाएंगे, फिर दिल्ली के अंदर कौन कौन सी चीजें वो चीजें बताएंगे। मान लो उससे भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको पूरा दिल्ली दिखा देंगे, दिल्ली में कौन कौन सी चीजें, उसको एक जगह लोकेशन देकर के अगर उसको समझाएंगे तो वो बच्चा उस चीज को समझ जाएगा। तो प्रत्यक्षीकरण अगर किसी चीज का नहीं किया जाता तो भी बच्चा पिछड़ जाता है। दृष्टि एवं व्यवहारिक ज्ञान, मतलब ये है कि बच्चे को अगर व्यवहारिक नॉलेज नहीं दी जाती तो भी बच्चा पिछड़ जाता है। तभी आपने पता है कि 2005 में NCEP आया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम ने साफ बात यह कही है कि बच्चे को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए, बच्चों को बोझ रहित शिक्षा अवेलेबल करवाई जाए, बच्चों को न केवल पाठ्यक्रम बल्कि पाठ्यचर्या शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उन पर भी जोर दिया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा, बच्चा अदर एक्टिविटी में भी अगर बच्चा अच्छा है तो बच्चा बहुत आगे जा करके कर सकता है। उसके मन में जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं उनको अलग से व्यवहारात्मक कौशल अगर दिया जाएगा तो वो आगे आने वाली जीवन को सफल बना पाएंगे। तो ये समस्याएं आती है कि उनको ज्ञानात्मक अधिगम ज्ञान नहीं हो पाता है, भाषा संबंधी अक्षमता होती है, वो किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, उस चीज को देखते नहीं है, समझते नहीं है। और जब तक किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है बच्चा उसके मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के विचार नहीं, चिंतन नहीं कर पाता। ठीक है, सामाजिक व संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या क्या आती है बच्चे के सामने? जो पिछड़ा हुआ बालक है वो प्लायन कर जाता है, संप्रेषण कौशल नहीं होता, संवेगात्मक रूप से अस्थिर होता है, परिपक्वता उसमें नहीं आती, प्लायन प्रवृत्ति उस बच्चे में विद्यमान होती है, वो धीमी गति से सीखता है, बार बार उस चीज का अभ्यास करता है लेकिन फिर भी वो शिक्षक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक उस चीज को तुरंत समझ जाता है लेकिन एक मंद बुद्धि जो धीमी गति से बालक सीख रहा है उसको सीखने में देरी होती है। तो सामाजिक में कई संवेगात्मक समस्याएं हैं, ज्ञानात्मक अधिगम समस्या है, भाषा संबंधी असमस्या है और प्रत्यक्षीकरण की जो समस्याएं हैं ये पिछड़े बालक के सामने आती है। अब बात आती है कि हम एक ऐसा कौन सा शिक्षा सुझाव दे ताकि इन पिछड़े बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाए, क्योंकि समावेशी शिक्षा में पिछड़े बालकों को भी शामिल किया गया। तो पिछड़े बालकों के लिए ऐसी कौन सी रणनीतियां अपनाई जाए, ऐसे कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं ताकि हम उन पिछड़े बालकों को भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो पहला तो है पाठ्यक्रम का लचीला होना। देखो बच्चों, आप सब जानते हैं अगर पाठ्यक्रम समय के अनुसार मोल्डेबल होगा, लचीला होगा, मतलब यह है कि प्रतिभाशाली बालक भी अपनी योग्यता का विकास कर सके,
धीमी गति से सीखने वाले बच्चे भी अपना विकास कर सके। तो पाठ्यक्रम में अगर लचीला होगा तो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी अधिगम कर जाएगा। बच्चों का अवलोकन, मैंने आपको बताया भी था कि जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं, कोई बच्चा गणित में कमजोर है, कोई विज्ञान में कमजोर है, कोई हिंदी में कमजोर है, कोई इंग्लिश में कमजोर है, तो अगर उसका अवलोकन किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए कि बच्चा अगर गणित में कमजोर है तो उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर बच्चा साइंस में कमजोर है तो क्यों, उसको कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही है, अगर टीचर उसका निरीक्षण करे, उन बच्चों के उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे, तो शायद बच्चा धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी अच्छा अधिगम कर पाएगा। प्रगति आलेख, आप जानते हो हर साल बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है, हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं, सेमेस्टर वन और सेमेस्टर टू के रिजल्ट्स आते हैं, जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स के आधार पर हम देख सकते हैं कि बच्चा कौन से विषयों में कमजोर है, बच्चा कौन सी शैक्षिक सह शैक्षणिक गतिविधियों में रुचि नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है, तो ये सब चीजें अगर हम प्रगति आलेख में देखेंगे तो उसके आधार पर भी पिछड़े बालक की पहचान कर सकते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन, अभिक्रमिक अनुदेशन, बच्चों अभिक्रमिक अनुदेशन का मतलब ये है कि अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट टॉपिक में जाइए, पहले टॉपिक के बाद में आंसर्स दीजिए। अगर पहला टॉपिक पढ़ लिया फिर उसके आंसर्स दिए, अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो वापस इसमें आ जाओ, और अगर आप आंसर दे पा रहे हो तो आप सेकेंड स्टेज में पहुंच जाओगे। अभिक्रमिक अनुदेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है शाखीय और एक है रेखीय। इसका मतलब यही है कि अगर आपको एक अनुवर्ग दिया जाता है, छोटे छोटे खंड दिए जाएंगे, उन छोटे खंडों को क्लियर करो, फिर उनके क्वेश्चन आंसर पढ़ो, अगर वो नहीं आ रहे तो दोबारा उस चीज को पढ़ो, तब आप सेकेंड स्टेज पर अगर पहुंचोगे तो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा अधिगम कर सकता है। फिर आता है बच्चों संप्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट क्लियर। बच्चों किसी भी वस्तु या व्यक्ति या विचार, उनके प्रति अपनी मानसिक क्षमता या उसके प्रति अपना एक विजन बना लेना, ये ऐसा है, जैसे अपन बोलते हैं किसी भी चीज को देखे, ये बॉटल है, ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा क्या है, ये संपत्ति है। तो हर वस्तु और हर व्यक्ति के प्रति धीमी गति से सीखने वाले बच्चे का कॉन्सेप्ट अगर हम बना लेंगे कि बच्चा ये सीख जाएगा, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, इससे लिखा जाता है, फिर बच्चा समस्या लिखते ही समझ जाए, समस्याएं लिखने वाला है, क्यों, क्योंकि उसके माइंड में आ गई कि पिछले बालक की हम क्या पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं, तो समस्याएं भी पढ़ेंगे, तो उसका धीरे 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 जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकता है। तो ये शिक्षा के सुझाव है बच्चों, पहला पाठ्यक्रम का लचीला होना, दूसरा बच्चों का अवलोकन करना, तीसरा प्रगति आलेख बना करके, अभिक्रमिक अनुदेशन करके, छोटे छोटे खंडों में उनको कुछ टॉपिक्स दिए जाए, उनको क्लियर करवाया जाए, और संप्रत्यय निर्माण, हर वस्तु व्यक्ति और विचार के प्रति अगर उसका कॉन्सेप्ट बनाया जाए, धीरे 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 उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए, तो वो बच्चा आगे जाकर के सामान्य बालकों की श्रेणी में भी आ सकता है। ये तो कुछ सुधार है। अब आता है बच्चों गिलफोर्ड, नाम सुना होगा, बुद्धि के आयाम दिए इसने, बुद्धि के प्रकार बताए थे किसने, गिलफोर्ड और टॉन्सले दोनों ने। इस गिलफोर्ड और टॉन्सले ने कहा कि इन पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों की श्रेणी में डाला जा सकता है अगर कुछ उपाय किया जाए। छोटी शिक्षा, अनुवर्ग शिक्षा, वही अनुवर्ग शिक्षा ये है बच्चों अभिक्रमिक अनुदेश। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जाए, उनको छोटे छोटे खंड दिए जाए, समस्याएं दी जाए, फिर उन समस्याओं का समाधान किया जाए, तो पिछड़ा बालक भी इसमें आ सकता है, पिछड़ा बालक भी आपका सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकता है। फिर आता है व्यापक सुविधाओं का आयोजन। आप सब जानते हैं बच्चों धीमी गति से बालक सीख रहा है, व्याख्यान विधि के द्वारा नहीं सीख पा रहा है, तो नई टेक्निक से उनको बताओ, चित्र दिखाओ, नमूना दिखाओ, मॉडल दिखाओ, प्रतिदर्श बनाओ, प्रतिमान स्थापित करो, शिक्षण सूत्रों का उपयोग करो, शिक्षण अभिरचना बनाओ। तो शिक्षक अगर चाहे तो कुछ ऐसी
सुविधाओं का आयोजन करके, जैसे कोई बच्चा प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सीख सकता है तो उसको वहां का भ्रमण करवाया जाए, तो अगर उस बच्चे को वहां का भ्रमण करवाया जाएगा तो भी बच्चा बहुत अच्छा अधिगम कर पाएगा। तो क्या समझ में आया, गिलफोर्ड व टॉन्सले के सुझाव में छोटी शिक्षा और अनुवर्ग शिक्षा दी जाए, व्यापक सुविधाओं का आयोजन किया जाए, हर संभव सहयोग। ऐसे बच्चे जो कि धीमी गति से सीख पा रहे हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करवाया जाए, जो पाठ्यक्रम को नहीं कर पा रहे हैं उनको शिक्षक के द्वारा अलग से पढ़ाया जाए, उनके लिए केस स्टडी तैयार की जाए, निरीक्षण विधि के माध्यम से उनका अवलोकन किया जाए। केस स्टडी के द्वारा उस बच्चे का अगर हम अवलोकन करेंगे तो बच्चे को पिछड़े बालक से हम सामान्य बालक की श्रेणी में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब है छोटे छोटे खंडों में, आपको पता है कई बार अब जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या करता है, टीचर उस विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेता है। छोटे छोटे खंडों में विभाजित करने के बाद उसको क्या करता है, पढ़ाता है। तो जब छोटे छोटे खंडों में जाकर के विषय वस्तु को पढ़ाया जाएगा तो प्रतिभाशाली बालक तो समझेगा ही, लेकिन धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा अधिगम कर पाएगा। उसके बाद है बच्चों माता पिता से सही, आप जानते हो बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो उस बच्चे की छोटे छोटे टॉपिक्स दो, उनको गृह कार्य के लिए दो, माता पिता से कह सकते हैं कि उस चीज का उसको बार बार में अभ्यास कराया जाए। तो माता पिता का सहयोग लेकर भी पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों में क्या कर सकते हैं, पिछड़ा बालक भी सामान्य बालक बन सकता है। उसके बाद आता है बच्चों प्रतिभाशाली माता पिता से सहयोग, अगर बच्चा प्रतिभाशाली है किसी सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है, मान लो कोई प्रतिभाशाली बच्चा है साइंस की क्लास में उसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है तो साइंस में वो क्लास में ध्यान नहीं देगा तो उसके साइंस के मार्क्स कम आएंगे। तो हम प्रतिभाशाली माता पिता से सहयोग लेकर के उसकी समस्या को समझेंगे और उस समस्या को समझ करके उसका समाधान करके भी हम पिछड़े बालक को सामान्य बालक बना सकते हैं। तो यहाँ पर गिलफोर्ड और टॉन्सले, गिलफोर्ड जिसने बुद्धि के आयाम दिए, टॉन्सले ने भी बुद्धि के आयामों के बारे में बताया, उन्होंने ये सुझाव दिया कि पिछड़े बालकों को हम सामान्य बालक बना सकते हैं अगर हम उन्हें छोटी शिक्षा अनुवर्ग के रूप में दे, अगर हम उनके लिए व्यापक सुविधाओं का आयोजन करें, चित्र नमूना मॉडल इनकी सहायता से, मानचित्र भ्रमण, विभिन्न जो शिक्षण विधियां हैं ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म, इन विधियों का उपयोग करें तो बच्चा क्या कर सकता है, बच्चा धीमी गति से सीखने वाला बच्चा भी बहुत अच्छा अधिगम कर सकता है। अब आता है छोटे छोटे खंडों में उसको क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, माता पिता का सहयोग लिया जाए और प्रतिभाशाली माता पिता का सहयोग लेकर के भी हम क्या कर सकते हैं, हम पिछड़े बालकों को सामान्य बालक बना सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा, आज हमने पिछड़े बालकों की विशेषताएं, पिछड़े बालक होने के पीछे कारण, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है और पिछड़े बालक को सामान्य बालक बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं इनके बारे में पढ़ा। पिछड़े बालक वो है जिनकी परिपक्वता देरी से आती है, जो साफ कपड़े नहीं पहनते, जो क्लास में अवधान नहीं करते, ध्यान नहीं देते, एकाग्रचित नहीं होते, जो विद्यालय में बच्चा अनुपस्थित रहता है, जो बच्चा चिंताओं से घिरा हुआ रहता है, जिस बच्चे में असुरक्षा का अभाव होता है, जिस बच्चे में संप्रेषण कौशल का अभाव होता है, जो बच्चा समस्याग्रस्त होता है वो बच्चा पिछड़ा बालक कहलाता है। अगर उस बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर अगर अच्छा नहीं है, वो बच्चा अंतर्मुखी है, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, क्रोधी चिड़चिड़ा भय, अगर उनमें अस्थिरता है तो वो बच्चा भी पिछड़े बालक का कारण हो सकता है। उनको भाषा संबंधी है समस्याएं हो सकती है, अगर किसी चीज का वो प्रत्यक्षीकरण करता है तो बच्चा सीख जाता है, लेकिन अगर उस बच्चे को प्रत्यक्षीकरण नहीं करवाया जाता, उस चीज का मॉडल या नमूना प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो ये समस्या आती है। इसके अलावा ज्ञानात्मक अधिगम संबंधी समस्या आती है,
सामाजिक और संवेगात्मक समस्याएं आती है। फिर शिक्षा के सुझाव में हमने देखा पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, बच्चों का अवलोकन होना चाहिए, प्रगति आलेख बनाना चाहिए, अभिक्रमित अनुदेशन होना चाहिए, बच्चे को अभिप्रेरणा मोटिवेशन अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा अगर बच्चे को है, अगर बच्चे को बार बार मोटिवेशन दिया जाता है तो पिछड़ा बालक भी सामान्य बालक बन सकता है। अगर बार बार उसको किसी भी, जैसे हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्रश्न का बच्चा आंसर दे रहा है, उसको बार बार में मोटिवेशन मिल रहा है, सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है, तो बच्चा क्या कर जाएगा, बच्चा और अच्छा करने के लिए बार बार अभ्यास करेगा। और जब बार बार उस चीज का अभ्यास करेगा तो पिछड़ा बालक भी सामान्य बालक बन जाएगा। फिर आता है संप्रत्य कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर संप्रत्य निर्माण किया जाए, जैसे ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये बॉटल है, ये पेन है, तो ये इस चीज के बारे में हमारे माइंड में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर टॉपिक्स के प्रति, हर खंड के प्रति बच्चे के कॉन्सेप्ट को अगर हम क्लियर करेंगे तो बच्चा पिछड़ा बालक भी सामान्य बालक की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप चाहते हैं कि मैं पिछड़े बालकों की जो आपने समस्याएं विशेषताएं शिक्षा सुझाव देखे, मैं इसी तरह से आपको शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाऊं, तो अब नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कॉपी में नोट डाउन करें और ध्यान से इन शॉर्ट नोट्स को काम में लें, जो आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के लिए तो उपयोगी है ही, इसके अलावा रीट सीटेट के लिए भी उपयोगी है। धन्यवाद।